YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो में एडिटिंग कैसे करें। आप वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पब्लिश भी हो चुका है, यदि चाहें कि उस वीडियो में हम एडिटिंग करें तो एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो में हम एडिटिंग क्यों करेंगे। ऐसे तीन फायदे हैं जिसके लिए YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो में एडिटिंग किया जाता है। पहला है, आपके वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, तो आप वीडियो में एडिटिंग करके कॉपीराइट को आप हटा सकते हैं। यदि आपका चैनल मोनेटाइज है तो उस पर अर्निंग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आपके वीडियो का इम्प्रेशन यदि कम हो गया है, इम्प्रेशन घट गया है, उस वीडियो में आप एडिटिंग करके उसका इम्प्रेशन आप बढ़ा सकते हैं। और तीसरा फायदा यह होता है कि यदि आप वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यूट्यूब पर पब्लिश भी कर चुके हैं, बाद में आपको ऐसा लगता है कि कुछ वीडियो का कुछ ऐसा पार्ट जो आपको लगता है कि ये पार्ट उसमें नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसे में आप उस पार्ट को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जब किसी वीडियो पर कॉपीराइट आता है तो उसमें हम जब हम चेक करते हैं दिखाता है कि इतना समय, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट 45 सेकंड, यानी उस 45 सेकंड का जो बीच वो है, 2 मिनट 45 सेकंड, तो इतना जो 45 सेकंड है या फिर 1 मिनट है या फिर 15 सेकंड है, ठीक है, तो इतना ही कॉपीराइट आया रहता है और इसी पर कॉपीराइट आया रहता है। वहां दिखाता है कि किस वर्ड पर, किस फोटो पर, किस ऑडियो पर वहां पर कॉपीराइट आया है इस वीडियो में। तो यदि आप उस पार्ट को एडिट करके हटा देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, तो फिर उस पर जो कॉपीराइट आया रहेगा ना, वो कॉपीराइट हट जाएगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, इम्प्रेशन किसी वीडियो का घट जाता है। वो इम्प्रेशन क्यों घटता है, जैसे मान लीजिए आपका वीडियो है ना 5 मिनट का, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है ना कि शुरू में लोग जैसे वीडियो को देख रहे हैं, 2 मिनट तक देखे, 2 मिनट के बाद कुछ ऐसा पार्ट है जो लोग उसको स्किप करके भागा करके देख रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ा के देख, जो जहां से वीडियो को लोग छोड़ रहे हैं, जितना समय का वीडियो लोग छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर उस वीडियो में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उस पार्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि इम्प्रेशन वीडियो का ना डाउन हो जाता है, घट जाता है। इम्प्रेशन घटने का वजह यही होता है। आपको क्या करना है, वीडियो में एडिटिंग करना है और उस पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। उस समय देखिए यहाँ पर कि कितना समय से और कितना समय के बीच में वहां पर लोग, आपका जो ग्राफ है वो डाउन हो रहा है। जहां पर डाउन हो रहा है ना, जितना समय, उतने समय तक का जो वीडियो का पार्ट है उसको आप डिलीट कर देना है। तो अब क्या होगा कि जब उस पर व्यूअर आएगा, देखेगा ना, तो वहां पर उसको भगाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो स्किप ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो सुनना चाहता है वो तो डायरेक्ट सुन रहा है, तो स्किप क्यों करेगा, स्किप नहीं करेगा, वीडियो को छोड़ करके हटेगा नहीं, वीडियो का इम्प्रेशन होता है ना वो बढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो में से किसी भी पार्ट को आप वहां से डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां से हम लाइव प्रूफ सब कुछ आपको दिखाते हैं। ये तो यहाँ देखिए, मैं अपने लैपटॉप में आपको हम दिखा रहा हूँ सब कुछ, आप अपने फोन में कीजिएगा। और दोस्तों, आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। क्रोम ब्राउजर ओपन चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर गूगल में आपको टाइप कर लेना है studio.youtube.com, इतना आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। चलिए हम सर्च कर लेते हैं। आपका चैनल जिस ईमेल आईडी से बना हुआ है, उसी ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो चलिए अपना चैनल ओपन कर लेते हैं, अपने चैनल का डैशबोर्ड हम ओपन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों, हम अपने चैनल का डैशबोर्ड ओपन कर लिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपना यहाँ पर कंटेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटेंट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका सामने आपका सारा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस वीडियो में आपको एडिटिंग करना है, उस वीडियो को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एडिटर। यहाँ पर देखिए, एडिटर का एक ऑप्शन है, एडिटर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। एडिटर वाले बटन पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर ऑडियो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई किसी सॉन्ग पर कॉपीराइट आया है, किसी ऑडियो पर कॉपीराइट आया है, उसको हटा करके आप दूसरा ऑडियो वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि किसी वीडियो के किसी पार्ट में ये पार्ट लोगों को नहीं दिखाना चाहिए था, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को आप हटा सकते हैं, उस पार्ट को आप हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर उस पार्ट को आप ब्लर कर सकते हैं। यदि आप ब्लर करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लर का ऑप्शन है, ब्लर वाले बटन पर क्लिक करके आप ब्लर कर सकते हैं। यदि आप उस पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ट्रिम एंड कट का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके उस पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर पार्ट कुछ डिलीट करना है, ठीक है, इस वीडियो में से उस पार्ट को डिलीट करना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इम्प्रेशन जहाँ पर डाउन हुआ है, उस इम्प्रेशन वाले जहां से लेकर जहां तक डाउन हुआ है, उस पार्ट को हम डिलीट करेंगे, या फिर जिस पार्ट में कॉपीराइट आया है उस पार्ट को हम डिलीट करेंगे। पहले हम कैसे पहचान करेंगे कि इस वीडियो में किस पार्ट पर, कहां से लेकर कहां तक, किस पार्ट में कॉपीराइट आया है, किस पार्ट में इम्प्रेशन डाउन हुआ है, इसका हम पहचान कैसे करेंगे,
इसके लिए हम मोबाइल स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए। आप अपना वाइट स्टूडियो ओपन कर लीजिएगा, वीडियो ओपन कर लेना है। चलिए अपना वीडियो हम ओपन कर लेते हैं। वीडियो यहाँ पर वाइट स्टूडियो में वीडियो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एनालिटिक्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे ऑडियंस रिटेंशन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे में आपको यहाँ पर ग्राफ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा दोस्तों। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को प्ले करके देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर कहाँ से लेकर कहाँ तक का ग्राफ जो है इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहाँ पर डाउन हुआ है, जहाँ पर डाउन हो रहा है वहाँ पर लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से लोग वापस जा रहे हैं, ये देखिए इस ये देखिए जो ग्राफ है ना, इस ये ग्राफ का मतलब है कि लोग यहाँ से तो अच्छा से देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर डाउन हो रहा है, उसके बाद धीरे 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 डाउन होते गया है होते गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि जैसे आपका वीडियो है, वीडियो में जैसे ग्राफ जो है अचानक से यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद यहाँ डाउन हो गया, अब ऐसे जा करके फिर ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर लोग वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं या फिर छोड़कर चल जा रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ से ग्राफ सीधे नीचे नीचे पूरा आ गया है, ठीक है, आगे नहीं गया, नीचे पूरा नीचे नीचे पूरा हो गया, या फिर यहाँ से उठ करके फिर आगे चल रहा है लेकिन यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है ना, ये जो है इस पार्ट को आपको डिलीट कर देना होगा, हटा दीजिएगा तो यहाँ पर लोग रुकेगा ही नहीं, डायरेक्ट आगे बढ़ जाएगा। यदि आप पहचान लिए कि भाई हाँ इतना समय से लेकर के इतना समय के बीच में हमारा कॉपीराइट आया है, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में इंप्रेशन डाउन कर रहा है, उस पार्ट को आपको डिलीट करना होगा, हटाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए एडिटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस पार्ट को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिम एंड कट का एक ऑप्शन है, ट्रिम एंड कट पर हम क्लिक कर लेंगे। ट्रिम एंड कट पर जब आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने ऊपर में न्यू कट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू कट पर आपको क्लिक कर देना होगा। न्यू कट पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए रेड कलर में यहाँ पर दो ठो यहाँ पर लाइनिंग आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जिस पार्ट को आपको डिलीट करना है इसको दोनों को वहीं पर रखना है, जैसे कि मान लीजिए राइट साइड लेफ्ट साइड, जैसे मान लीजिए कि हमको 5:42 से लेकर के 6:02 के बीच में इस पार्ट को हमको डिलीट करना है, क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो राइट साइड का है यहाँ पर लेकर जाएंगे 6:02, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 6:02 यहाँ पर हम ले लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको कितना से करना था, 5:42, क्योंकि हम इस पार्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं। यदि आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो सीधे 5 मिनट यहाँ पर 42, एंटर कर देंगे, ओके करेंगे, ये 5:42 ऑटोमेटिक वहां पर ले लेगा, वहां पर टाइप कर देंगे तो, ठीक है, या फिर आप मैन्युअली आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये पार्ट हमारा यहाँ पर आ गया है, इस पार्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में आपको दो बटन देखने को मिलेगा, एक सही का और एक कैंसिल का। सही वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप कैंसिल वाले बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं भाई नहीं आपका मूड चेंज हो गया कि हम नहीं कैंसिल करना चाहते, हम नहीं हटाना चाहते, नहीं डिलीट करना चाहते, तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसको हमको डिलीट करना है तो आप यस यहाँ पर सही का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। सही बटन पर चलिए हम क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमको डिलीट करना है। सही बटन पर हमने क्लिक कर दिया। सही बटन पर क्लिक करने के बाद ऊपर में यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक आ गया है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए कट लिख करके 1 और यहाँ पर एडिट पेंसिल का ऑप्शन है और यहाँ पर डिलीट बटन है। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई जो हमने डिलीट किया है, जिस पार्ट को सेलेक्ट किया है उसमें थोड़ा सा और आगे पीछे करके हमको करना चाहिए था, तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको नहीं डिलीट करना है भाई मेरा वीडियो, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिलीट कर दीजिए, ये जो है कटिंग जो है ये हट जाएगा, ठीक है। तो आपने यदि सही से आपने एडिटिंग कर लिया है, उस पार्ट को आपने हटा लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर में सेव का एक बटन है, सेव वाले बटन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो आपका सेव हो जाएगा, वो पार्ट हटने के बाद सेव हो जाएगा, यानी कि पब्लिश तो रहेगा ही रहेगा, ये वो पार्ट डिलीट हो जाएगा।